मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसको प्रेस कर दे। प्रेस करने के बाद जो बेल बटन दिख रहा है उससे भी प्रेस कर दे, उसके ऑल का बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दे। उसके बाद आने वाले मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रानी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बादाम का हलवा बनाने जा रही हूँ। आज गणेश चतुर्थी और तीज दोनों है, इसलिए मैं आज बादाम का हलवा बनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छे और टेस्टी रेसिपी होते हैं ये, आप लोग को देखिए, मेरे साथ किचन में चलिए, मैं साथ आप लोग के साथ में बनाऊंगी और आप लोग भी देखिए, इस रेसिपी में शेयर करना चाहती हूँ। रात को ही मैं 200 ग्राम बादाम भिगो कर रख दी थी, अब मैं जा रही हूँ किचन में बनाने। 200 ग्राम बादाम मैंने रात को भिगोने के लिए रख दिया था, उसके बाद सुबह मैं सारे बादाम को निकाल लिया। अब मैं सारे बादाम को एक एक करके छीलने जा रही हूँ। छीलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता ही है। अब देखिए, पूरा मैंने छील कर रख लिया। अब मैं इसको ग्राइंडर में रख के इसको सारे को मिक्स में पीसूंगी। इसमें एक स्पून मैं घी डाल रही हूँ, पानी इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब मैं इसको पीस कर कटोरी में डाल ली। देख रहे हैं थिकनेस से कैसा है। अब एक कढ़ाई मैं गरम करके इसमें 2-3 स्पून घी डाल रही हूँ। घी को गरम होने के बाद मैं सारे पेस्ट जो बनाया है उसमें मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको धीरे 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 चलाना स्टार्ट करूँगी। अब मैं इसमें आधा कटोरी चीनी डालूँगी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते, जो कोई कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करें, कुछ लोग थोड़ा कम पसंद है, ये स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको धीरे धीरे चलाऊंगी। मुझे थोड़ा घी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा घी और भी डाल रही हूँ और सब मैं मिक्स कर रही हूँ। अब देख रहे हैं फ्रेंड, अब ये कितना थिकनेस कितना अच्छा हो रहा है, अब ये कितना यमी देखने में लग रहा है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये आप गणेश पूजा किसी भी फेस्टिवल में बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए रख सकते हैं। अब ये बनकर तैयार हो गया। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना यमी लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड, थोड़ी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करना फ्रेंड, ठीक है। तब तक मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।